राजकीय परिवर्तन की जरूरत, जिसके लिए हमारी सोचे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसी राव का बयान। देश में 2024 के बाद सुमैया जैसे लोगों का खेल होगा खत्म। सुमैया पर संजय राउत ने साधा निशाना, अब शब्द का भी किया इस्तेमाल। संजय राउत के डिक्शनरी में जितनी भी गालियां हो मुझे दे दे, मैं महाविकास अघाड़ी सरकार के घोटालों का पर्दाफाश करके रहूंगा। किरीट सुमैया को संजय राउत का जवाब। डायरेक्टर के खिलाफ थाने पुलिस ने धोखाधड़ी के तहत मामला किया दर्ज। सतगुरु बार एंड रेस्टोरेंट का लाइसेंस धोखे से लेने का आरोप। थाने के बाद पालघर के वसई विरार में बर्ड फ्लू का मामला आया सामने। अधिकारियों ने कहा घबराने की जरूरत नहीं। भाजपा नेता नीतीश राणे ने स्कूलों में भगवद गीता पढ़ाने को लेकर उठाई मांग। गीता पढ़ाने को लेकर लिखा सीएम उद्धव ठाकरे को पत्र। चलती एक्सप्रेस में 6 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला आया सामने। 12 घंटे के अंदर कल्याण जीआरपी ने आरोपी को किया गिरफ्तार। उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र का किया गया है अपमान। केंद्र सरकार ऐसे लोगों को दे रही है सिक्योरिटी। संजय राउत का भाजपा पर निशाना। भाजपा नेता किरीट सुमैया आज सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में हुए हाजिर। कोरोना नियमों का उल्लंघन करने को लेकर सुमैया को पुलिस ने भेजा था समन। शोर से हो मराठी दिवस मनाने की तैयारी। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने कार्यकर्ताओं को लिखा पत्र। 27 फरवरी को राज्य में मनाई जाएगी मराठी दिवस।